हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 2, और नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा चैप्टर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ए रिबेलियन इन द कंट्री साइड। जो कंट्री साइड का एरिया है, यानी कि जो टाउन से बाहर का एरिया होता है, देहाती क्षेत्र भी इसको बोल देते हैं, वहां पर विद्रोह। From the cities, शहरों से the non-cooperation movement separate to the countryside, जो ये ना सहयोग करने वाला लहर था, movement था, आंदोलन था, अब वो अब countryside तक जाने लगा, फैलने लग गया। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अवध में जो किसान थे उनको लीड किया बाबा रामचंद्र ने, जो एक सन्यासी थे, जो पहले फिजी में काम करते थे इंडेंचर्ड लेबरर के तौर पे। इंडेंचर लेबर क्या होता है? एक एग्रीमेंट के तहत आप लोग जैसे किसी के अंडर काम करते हो ताकि आप उससे वो काम सीख सको, उस चीज को बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबरर। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इतने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उनको उस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिलते, उनको सिर्फ काम सिखाया जाता है। तो ये होता है इंडेंचर लेबरर। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वैरायटी ऑफ अदर सेस। जो मूवमेंट था वो यहाँ पे किसके अगेंस्ट था? तालुकदार, जो कि जमीन से टैक्स इकट्ठा करते थे, लैंडलॉर्ड, जो जमीन के मालिक थे, जो कि किसानों से बहुत ज्यादा हाई रेंट की डिमांड करते थे, और दूसरे और टाइप के सेस, जो भी एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं, उनकी वो डिमांड करते थे। पीजेंट्स हैज नो टू डू बैगर एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट। जो किसान थे उनको बगार करनी पड़ती थी। बगार होता है जब आप बिना किसी पेमेंट के काम करते हो, और वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे, और जो जमीन के मालिक होते थे उनके खेतों में वो काम करते थे विदाउट एनी पेमेंट, बिना किसी पेमेंट के। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। किराएदार होने के नाते उनका टाइम या उनका कोई भी टाइम नहीं था, कि कोई टाइम की सिक्योरिटी नहीं थी कि वो इतने टाइम तक यहाँ पे रहेंगे। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, वो लगातार उनको एक से दूसरी जगह से निकाल दिया जाता था, सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर दी लीज लैंड, ताकि जो लैंड उनके पास है जिसपे वो खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो कोई भी अपना हक ना जता सके, यानी कि टाइम टू टाइम उनको उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। तो इस मूवमेंट में क्या डिमांड की? कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, उसका कम किया जाए, बेगार खत्म होनी चाहिए, और जो लैंडलॉर्ड दबाने का काम करते हैं, जिनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है, उनका पूर्ण रूप से सामाजिक बॉयकॉट यानी बहिष्कार किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नाए धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। काफी सारी जगह पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा, ताकि जो जमीन के मालिक हैं उनको किसी भी तरह की बार्बर यानी कि नाई वाली सर्विस और वॉशरमैन यानी कि धोबी वाली सर्विस ना मिले। इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध, टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंस। जवाहरलाल नेहरू ने अवध के विलेजेस के आसपास जाना शुरू किया, उन्होंने गांव के लोगों से बात की और उनका दुख समझने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द ओथ किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। तो ओथ किसान सभा अक्टूबर तक सेटअप कर दी गई,
जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग थे। विदिन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। उस रीजन के आसपास 300 ब्रांचेस इस औध किसान सभा की सेटअप हो गई। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, तो अगले साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइट स्ट्रगल। तो कांग्रेस की कोशिश ये थी कि जो अवध के किसानों का स्ट्रगल है उसे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जोड़ दिया जाए, ताकि जो स्ट्रगल है वो वाइडर यानी कि ज्यादा बड़ा हो सके। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। लेकिन जो ये मूवमेंट था किसानों का, ये जिस तरीके से डेवलप हुआ उस फॉर्म को कांग्रेस की लीडरशिप खुश नहीं थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 में जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, द हाउसेज ऑफ तालुकेदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जो तालुकेदार थे और जो व्यापारी थे उनके घरों पे अटैक हमला किया गया। बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जहां पे अनाज जमा किया जाता था, स्टोर किया जाता था, वो भी टेकन कर लिए गए। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट no taxes were to be paid and land was to redistributed among the poor. काफी जगह पर local leaders ने किसानों को बताया कि गांधी जी ने ये declare कर दिया है कि कोई भी tax pay नहीं करना है और जो land है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। The name of the Mahatma was being invoked to section all action and aspiration. तो कोई भी कार्रवाई करनी थी, कोई भी आकांक्षा पूरी करनी थी, उसके पीछे महात्मा गांधी का नाम टेक ओवर कर लिया जाता। तो यानी कि महात्मा गांधी के नाम पर सारे एक्शन और जितने भी ये एक्शन हो रहे थे वो सारे किए गए। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में पहाड़ियों में Four Indians, a militant guerrilla movement spread early in the early 1920, not a form of struggle that the Congress would approve. 1920 के शुरुआत में एक स्ट्रगल फॉर्म हुआ जिसे कांग्रेस अप्रूव नहीं कर रही थी, वो था मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट। हेयर एज इन अनदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. दूसरे forest जंगलों के reasons की तरह यहाँ भी जो British government थी उन्होंने क्या किया, जो बड़ा forest का area था उसको close कर दिया ताकि लोग जंगलों के अंदर enter ना करें और वो अपने ना तो cattle यानी कि पशुओं को चरा सकते थे वहाँ पे, ना ही फ्यूल के लिए लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे और ना ही फ्रूट्स फल इकट्ठा कर सकते थे। दिस एनरेज्ड द हिल पीपल, इससे जो पहाड़ी के लोग थे उनको गुस्सा हुआ। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। ना सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट हुई बल्कि उनको ये भी लगा कि उनके जो रीति रिवाज हैं उनके अधिकारों को भी मना किया जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा है। When the government began forcing them to contribute pagar for road building, जब गवर्नमेंट ने उनको जबरदस्ती बेगार के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा ताकि रोड की बिल्डिंग हो सके, रोड बना सके, मतलब सड़क की उसारी के लिए वो उन लोगों की हेल्प चाहते थे लेकिन पगार पे, विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। द हिल पीपल रिवोल्टेड, तो जो पहाड़ी के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। वो पर्सन उनके लीड करने के लिए आ गया है, उनको अगुवाई करने के लिए आ गया है, वो एक बहुत ही दिलचस्प बंदा था।
अलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। वो बंदा था अलूरी सीताराम राजू, उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास स्पेशल खास तरीके की शक्तियां हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन। वो सितारों की, चांद की, सूरज की डायरेक्शन देख के सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। एंड ही पीपल, और लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और वो गोलियां भी अगर उनको लग जाएंगी फिर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाय राजू, राजू से प्रभावित होकर द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। जो विद्रोही थे उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि जो राजू है वो भगवान का दूत है और भगवान का अवतार है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू ने महात्मा गांधी की महानता के बारे में बात की। सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत प्रभावित था। एंड परसुडेड पीपल टू बियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया और उनको राजी किया। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। लेकिन उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया को आजाद करवाना है तो उसके लिए जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, अहिंसा से काम नहीं होगा। द गुडिम रेबल्स अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो गुडिम के विद्रोही थे उन्होंने पुलिस स्टेशनों पे अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की। एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। और गोरिल्ला जंग की जो टेक्निक है वो उन्होंने कैरी की ताकि स्वराज को अचीव किया जाए। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एक्सक्यूटेड इन 1924। राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया 1924 में। एंड ओवर टाइम बिकम ए फोक हीरो। लेकिन उस टाइम तक वो एक बहुत लोकप्रिय नायक बन चुके थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।